नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में भीषण गर्मी से जनता को पेयजल की परेशानी हो रही है, जिसके समाधान के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने डेवलपमेंट एजेंसी वायर सहानियतीत परियोजना के अधिकारी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में रितु खंडूरी ने कहा कि कोटद्वार नगर निगम के वार्ड नंबर 4 से वार्ड नंबर 26 तक पुराना नगर क्षेत्र कोटद्वार में समर्पण जल और संपूर्ण जल वितरण प्रणाली में 4 ओवरहेड टैंक के निर्माण और 300 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन का निर्माण जीएमएस प्रणाली से बनाया जाएगा। तो वहीं साथ ही नई तकनीकी स्काडा प्रणाली के प्रयोग से एचओटी ट्यूबवेल के साथ पाइपलाइन की भी देखरेख होगी, इससे लीकेज का पता समय पर चल जाएगा। आज मेरी एडीबी के जो अफसर हैं उनके साथ बैठक हुई थी कोटद्वार में। आप सबको जानकारी होगी कि करीबन 325 करोड़ का कार्य शुरू हुआ है, धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। तो क्योंकि गर्मियों का समय है, पानी की दिक्कत हो सकती है, इस वजह से बैठक हुई है। एक तो उनको कहा गया कि काम में थोड़ी सी तेजी लाएं, दूसरा अगर कुछ पानी की दिक्कत होती है तो उसके लिए वो लोग व्यवस्था करें और किस तरह से बिना जनता को परेशान हुए किस तरह से कार्य हो सकता है, उस पर आज मेरी एडीबी के अफसरों के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्ष ने कहा कि चारों धामों के परिसरों में रेल बनाने पर रोक सरकार का सही और व्यावहारिक निर्णय है। उन्होंने यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने के राज्य के आर्थिकों के लिए सुनहरा अवसर बताया। तो वहीं उन्होंने कहा कि यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के लिए सबकी सहभागिता बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा व्यवस्थाओं को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वह ग्राउंड जीरो पर जाकर यात्रियों से फीडबैक ले रहे हैं। यह आमजन और श्रद्धालुओं में उत्साह भरने वाला कदम है। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने आगे कहा कि साल दर साल तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या प्रदेश के आर्थिकों के लिए सुनहरा अवसर है। देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो देवभूमि है उस देवभूमि का अपने एक स्वरूप है, देवभूमि की अपनी एक मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं पर रहते हुए हमको अपने सब प्रकार की गतिविधियों पर रहना चाहिए और अगर इस प्रकार की प्रश्न निर्माण होती हैं जिससे संस्कृति की अवहेलना होती है, संस्कृति पर प्रश्न खड़े होते हैं, तो ऐसे को संज्ञान लेना सरकार का दायित्व होता है और सरकार ने उन सब कृत्यों पर रोक लगाने का प्रावधान किया, हमने उसका स्वागत किया। बड़े पर्दे पर बनने वाली जौनसार बाबर की पहली फिल्म मेरे गांव की बाढ़ के दूसरे चरण की शूटिंग प्रारंभ हो गई है, जिसमें बाबर और भरम क्षेत्र में अनेक दृश्य फिल्माए जाएंगे। फिल्म के महत्वपूर्ण दृश्य देहरादून में भी फिल्माए गए। वहीं आपको बता दें कि सुमित कल प्रोडक्शन के क्रिएटिव डायरेक्टर के एस चौहान ने कहा है कि फिल्म का कथारना को ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में फिल्माया गया, जबकि फिल्म में गीतों के दृश्यों को प्राकृतिक दृश्यों से अत्यंत सुंदर बावर और भरम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में फिल्माया जाएगा। मेरे गांव की बाट की ये फिल्म जो है फिल्माई गई है और इसके सभी शॉर्ट्स भी विभिन्न क्षेत्रों में फिल्माए गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरे चरण में शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग की पहला चरण समाप्त हो चुका है, उसके बाद दूसरे चरण की शूटिंग हो चुकी है। क्रिएटिव डायरेक्टर ने इस पूरे फिल्म के बारे में प्रतिक्रिया दी है। मेरे गांव की बाढ़ का सेकंड शेड्यूल की शूटिंग प्रारंभ हो चुकी है और आजकल शूटिंग देहरादून में चल रही है और 18 तारीख से इस फिल्म की शूटिंग बावर के विभिन्न गांव में होगी। पहले अनोल मंदिर में और उसके बाद बावर का जो बागी गांव है, रात को 18 तारीख को वहां पे शूटिंग होगी और 18 तारीख के बाद
बिरनाड़, पूना, मीनूस और मोइला टॉप, कोटी कनासर, विभिन्न स्थानों पर इस फिल्म की शूटिंग की जानी है। काशीपुर के रतन सिमया रोड स्थित एआरएस मॉल में सीबीएसई बोर्ड के आए परीक्षा परिणाम में हाईस्कूल इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं का पीसीयू अध्यक्ष और प्रदेश संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ उत्तराखंड और वरिष्ठ बीजेपी नेता राम मल्होत्रा ने आयोजित किया। सम्मान समारोह और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं ने इतने अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसी के साथ ही छात्र छात्राओं ने बताया कि अगर आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपना एक ड्रीम बना लिया जाए। आज मेरे द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जिन बच्चों ने अपने स्कूलों में बहुत किया, उन सब बच्चों का हम लोगों ने हाई स्कूल में करके सभी बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया और उन्हें ये सम्मान देने के लिए कि ये आगे चल के वो और तरक्की करें और ज्यादा प्रोग्रेस करें और अच्छे मार्क्स ले करें और अपने रोडों में टॉप करें, ऐसी संरचना के साथ हम लोगों ने यहाँ पर आज बुलाया। प्रसन्न गुप्ता ने जो सेंट मैरी स्कूल पार्षद में पढ़ते हैं, उन्होंने 99% अंकों के साथ न केवल हमारे परिवार का बल्कि अपने शहर काशीपुर का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि इन्होंने अपने शहर में टॉप किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी स्थान प्राप्त किया है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे आजकल ज़्यादा ही सोशल मीडिया से अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, वहाँ समय व्यर्थ न करें, कृपया अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए सलाह दें और कुछ समय का उचित प्रयोग करें, टाइम टेबल बनाएं, निरंतर अभ्यास करें, अपनी कमजोरियों पर काम करें और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। दीदी वोट किसे? भरोसे को। मतलब? देखो यहाँ पढ़ाई का भरोसा है, यहाँ सेहत का भरोसा है, जो काम में लाइनें लगती थी वो घर पर ही हो जाएंगे वो भरोसा है, ये घर, ये मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पेंशन। हरियाणा वालों को अब कोई चीज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, ऊंच नीच नहीं झेलना पड़ेगा, ये भरोसा है। और भरोसे का दूसरा नाम क्या है? मोदी। चलो वोट डालें। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। हल्द्वानी में रानीबाग के पास चलते ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं ट्रक चालक और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। वहीं दरअसल आपको बता दें कि ट्रक हल्द्वानी से ईंटें लेकर चमोली जा रही थी। बताया जा रहा है कि आग लगने से रानीबाग के पास लंबा जाम भी लग गया। वहीं कांच गोदाम चौकी इंचार्ज फिरोज आलम ने टीम के साथ मौके पर जाकर जाम खुलवाया। एक ट्रक में आग लगने की यह खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक ईंट लेकर सफर कर रही थी और चलती ट्रक में
अचानक देखते ही देखते आग लग गई। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रक में भीषण आग लग गई है और चलती ट्रक में ये आग लगने की खबर सामने आई है। हालांकि किसी के भी जानहानि की नुकसान इसमें सामने नहीं आया है। नगर निगम कुछ महीने से सड़कों पर घूम रहे हैं, लावारिस गाय और सांडों को गौशाला भेज रहे हैं, लेकिन काम की गति धीमी है। बता दें कि नगर निगम को हाईकोर्ट में लावारिस पशुओं के मामले में फटकार भी लगाई गई है। इधर सड़कों पर लावारिस गाय और सांडों का घूमना जारी है। वहीं सांड के हमले की वजह से पिछले साल भी एक जान गई थी और इस साल भी कई लोग चोटिल हो चुके हैं। सबसे पहले तो हमारी जो एक स्थायी गौशाला है जो गंगापुर कपडाल में बन रही है, उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। और जो दो हमारी अस्थायी गौशालाएं चल रही हैं, रजपुरा और शीश महल, उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है। और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है, जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। ऋषिकेश में एम्स चौकी क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में मोनी बाबा गौशाला में संदिग्ध रूप से आग लग गई। आग लगने से गौशाला में मौजूद तीन गायों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार गाय झुलसने से घायल हो गई। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि घटना के वक्त गौशाला में कुछ लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह छत से कूद कर अपनी जान बचाई। लोगों ने दो धमाके की आवाज भी सुनी है। वहीं अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि गौशाला के अंदर गैस सिलेंडर फटे हैं। वहीं एम्स चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि आग लगने की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह सिलेंडर में हुए ब्लास्ट बताया जा रहा है। ये गौशाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भीषण आग लग गई, कुछ लोग भी अंदर मौजूद थे। लोगों ने आसपास दो धमाके की आवाज भी सुनी, तो वहीं बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से गौशाला में ये आग लगी है। और आग के बबूले भी आप तो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, धुएं के गुब्बारे अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इतनी भीषण ये आग थी कि आसपास के लोग वहां पर जमा हो गए। वहीं एक घंटे की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ऋषिकेश में एसओजी देहात की टीम ने तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया है। लूट में इस्तेमाल कार भी कब्जे में लेकर सीज कर दी गई है। बता दें कि एम्स रोड पर एक युवक से बात करने के बहाने लुटेरे मोबाइल लूटकर फरार हुए। इस मामले में कार सवार तीन आरोपियों को पुलिस और एसओजी देहात ने गिरफ्तार कर लिया है। देवप्रयाग में मोटर मार्ग पर की गई पेंटिंग उखाड़ने शुरू हो गई है। बता दें कि 8 किलोमीटर के इस मोटर मार्ग पर कई जगहों पर सड़क के बीचों बीच घास उग गई है। ग्रामीणों में कार्यदायी संस्था के खिलाफ रोष है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मोटर मार्ग पर गुणवत्ता से कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे कि स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि मोटर मार्ग एक महीने के अंदर ही खस्ता हाल हो चुका है, जगह जगह डामर उखड़ गया है, जिस पर रपटने से दुपहिया वाहन चालक भी चोटिल हो रहे हैं। और हमने बोला भी क्या करो, नहीं करो तो हम क्या करें। एक आदमी बोलना सुनी होता, और आदमी बोले सर अब बोल दिया तो सब आकर कहा हुआ आपने दे दिया बाकी और क्या बोले काफी इधर यहाँ बोरी भी नहीं बोल रखे। क्या चाहते हो आप? आज चाहते हम रोड खराब थोड़ी दे, कम से कम एक दो साल तो चले।
बस बाजिया बाजिया। ये है देखो, जो आप भी आए, आपने रोड का देखा, हम इस रोड से संतुष्ट नहीं है। जो रोड पे काम चल रहा है, सभी बोल रहे हैं कि इस रोड पे काम ढंग का नहीं हो रहा है। ये रोड मुश्किल से दो या चार महीने, दो महीने भी मुश्किल से चलेगी ये रोड। अभी पत्थर निकलने लगे, घास रोड में घास होने लगी अभी से, तो इस रोड का इसकी जाँच होनी चाहिए। सरकार से ये मांगे कि इसकी जाँच होनी चाहिए, कि इस रोड की जाँच होनी चाहिए और जो जो भी इसमें गलतियाँ हैं, जो भी इसमें सुधार हो सके सुधार। कोशिश आप बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से काम बिल्कुल सही हो रहा है, तो हमारी वही है कि अगर सही हो रहा है तो इसकी जांच हो, सही है तो सही है, अगर नहीं है तो खुलासा हो। समस्त ग्रामीण लोगों का ये कहना है कि रोड को मुश्किल से दो महीने तो बहुत दूर की बात है, एक 15 दिन में ठीक जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी अभी आप लोगों ने हालिया स्थिति देखी होगी कि रोड में पूरी घास जम चुकी है। अभी रोड पेंटिंग हाल में चल रही है, अभी आप लोगों के सामने तो अभी थोड़ा माल सही बन भी रहा है, लेकिन इसके पीछे आप जाओगे, आप आगे चलना, मेरे साथ चलना, आपको दिखाऊंगा रिपोर्ट। साहब स्थिति क्या है, अब विभाग का कहना है, विभाग से जब बात की तो उनका कहना है कि हमारा साहब, हमारा जो नॉर्म्स है उसमें 20 mm में ही इसमें गिट्टी पड़ेगी, लेकिन मुझे मेरे देखने से तो 20 mm भी पूरी गिट्टी नहीं पड़ रही है। दूसरी बात, जहां पेंच है, जहां ये गड्ढे हो रखे हैं, वहां पे नियम कानून से होना कहता है कि उसमें तारकोल पड़ता है, उसके बाद उसमें गिट्टी भरनी थी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सीधे यहाँ पे पत्थर भरे जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई तार कुछ नहीं है, पानी है इसमें कम से कम 50% से ऊपर पानी की मात्रा है, ये आप लोग देख सकते हो। देहरादून में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद की बैठक सुभाष रोड स्थित गुरु नानक वेंडिंग पॉइंट पर की गई। वहीं परिषद के अध्यक्ष सूर्यकांत दसवाना की अध्यक्षता में हुई बैठक में मलिन बस्तियों के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। विकास परिषद के अध्यक्ष सूर्यकांत दसवाना ने कहा कि मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के उत्पीड़न को रोकने के लिए और बस्तियों के नियमित करण के लिए भी प्रक्रिया को लेकर रणनीति तैयार की गई है। बीजेपी मलिन बस्ती वाले को मालिकाना हक देने की बात हर चुनाव में करती है, लेकिन मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश बीजेपी बनाती है। देखिए, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद, ये मलिन बस्तियों का सबसे पुराना संगठन है, जो 90 के दशक में बनाया गया था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमने हमेशा जब भी मलिन बस्तियों के ऊपर कोई संकट आया है, मलिन बस्तियों के उजाड़ने की कोई भी साजिश नगर निगम, जिला प्रशासन, सरकार कभी भी हुई, उत्तर प्रदेश के जमाने में भी और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड बनने के बाद भी, 1996 में बहुत बड़ा संकट आया था तो हमने बहुत विशाल रैली करके मलिन बस्तियों को बचाया था। उसके बाद 2000 से लेकर के और आज तक जितनी बार भी मलिन बस्तियों के ऊपर संकट आया, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने संघर्ष किया, मलिन बस्तियों को बचाने का काम किया। चलिए इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। बेटा, ना बिजली ना बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको बिचौलिए, पर हमें तो मिला है मोदी, बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP मिलती है, खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बात, स्वागत है आपका, रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड गढ़वाल मंडल में पुरौला में निजी स्कूल के शिक्षक ने छात्रा को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बीते 2 दिन से पीड़िता को लेबर रूम में रखा गया है। पीड़िता के परिजन आक्रोशित हैं, जिसे लेकर FIR भी दर्ज की गई है। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अब भी कोई मरीज आता है तो उसके घर वालों से हम लोग साइन या फिर अंगूठा लेते हैं, उसे बात कर, लेकिन यहां पर बूढ़ी माता थी तो उन्हें बहुत सी बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए अंगूठा लगाया गया और आज वह बात उन्हें दिखाई दे रही है।
शिक्षक ने छात्र के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद दो दिनों से लेबर रूम में पीड़िता भर्ती हैं। और वहीं आपको बता दें कि परिजनों ने FIR दर्ज करवाई है, जिसके बाद अस्पताल वालों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अस्पताल वालों ने कहा है कि हमने परिवार वालों की अंगूठे के निशान ले लिए थे, जिसे कि दिखा दिया गया है। और आपको बता दें कि शिक्षक ने इस युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। शिक्षक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और जिसके बाद लेबर रूम में पीड़िता दो दिन से भर्ती है। मैं तो सबसे पहले तो जो पीड़ित हमारी जो बेटी है, सबसे पहले तो मैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए और उसकी सेहत में सुधार हो, उसके लिए मैं सभी से, आप लोगों की तरफ से भी और अपने कांग्रेस परिवार की तरफ से भी ये निवेदन करता हूँ कि सीधे वो ठीक हो जाए। लेकिन मेरी ये पीड़ा है बहुत, तो उसे ही मैं कहता हूँ कि वर्तमान जो सरकार है वो नाकाम रही है इस तरह की घटनाओं को रोकने में। अंकिता भंडारी पहले ये का एक केस और उसी की ये पुनरावृत्ति है एक तरह से। पहले मैं यमुनोत्री जा रहा था सर यात्रा पर, तो 13 तारीख को 4 बजे करीब ये घटना घटी सर, तो मुझे उस दिन कोई पता नहीं चला। 14 तारीख को मुझे मालूम हुआ, वो भी थानेदार साहब ने मुझे फ़ोन किया जो आपकी लड़की बहुत बीमार है हॉस्पिटल में, उनको उल्टी पीछे लगी है। उन्होंने तथ्य दबा कर यूँ बात बताई मेरे को, माँ जी को फ़ोन नहीं जानती करना सर, उनके पास फ़ोन भी नहीं था। अच्छा, और बुढ़ी माँ थी, 80-85 साल की उम्र की थी सर। नहीं नहीं, घर वालों को क्लासिफिकेशन दे दिया गया है, ये कंसेंट होता है। जब भी कोई मरीज आता है तो उसके घर वालों से हम लोग साइन या अंगूठा लेते हैं उसे बताकर। लेकिन यहाँ पर चूंकि दादी जी थी, वो बहुत बात को नहीं समझ पाई। आज वो बात उन्हें दिखा दी गई है, कल भी दिखाई गई थी, और माननीय हमारे विधायक महोदय भी हैं उनके सबके सामने। इसमें कोई फाउल प्ले कभी भी हमारे अस्पताल से आप न तो सोचिए ना इस तरह का कभी होगा, इस सब की गारंटी मैं भी ले सकता हूँ एक बीइंग MS। और ये बिल्कुल इसमें कोई भी फाउल प्ले नहीं था। उत्तरकाशी जनपद के मोरी ब्लॉक के रमाल गांव का मामला ये है, और एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला है। शिशु विद्या मंदिर जो करोला में है, मोरी में है, वहाँ के किसी अध्यापक ने बलात्कार किया और वो बालिका यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे मीडिया की तरफ से, पूरे जनमानस की तरफ से, इस और अपनी तरफ से मैं इस घटना की निंदा व्यक्त करता हूँ। इस जो भी घटना हुई एक निंदनीय घटना है, और जो भी दोषी था उसको ऑलरेडी जो है जेल भेज दिया गया है, उसके पोक्सो एक्ट के तहत जो है केस दर्ज हो चुका है। और मैं अभी बच्चे से मिल के आया हूँ, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, और मैं जिस तरीके मैंने अभी उनसे मिल के, तो बच्चे की जो हालत है वो स्टेबल है। मुझे, मैं आपके माध्यम से, सभी जनमानस के माध्यम से जो भी मिलने आते हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।